हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी। और जैसे कि आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम स्पीच प्रोसेसिंग पे कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दें या कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दें जिससे हम लोग पढ़ सकें, और कुछ लोगों ने मुझे एम्स की क्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए भी कहा है। तो सॉरी फॉर डैट, मैं एम्स की क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इसमें टाइम नहीं है कि मैं आप लोग के इस सब्जेक्ट के लिए मैं अलग से एम सी क्यू क्वेश्चन बनाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोग को। मैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, वायरलेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ये दोनों पे मुझे अभी एम सी क्यू क्वेश्चन तैयार करने हैं। हाँ, अगर ये दोनों मेरे टाइम से पहले हो जाते हैं तो मैं इसके लिए कर सकती हूँ, बट जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकती। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, तो भी मैं आप लोग के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। और टेलीग्राम पे भी जो भी मैंने कंटेंट अरेंज किया है, जो भी PDF अरेंज किया है, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। प्लस कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से भी जाके ले सकें। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसके। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपके AKTU की तरफ से स्पीच प्रोसेसिंग के सिलेबस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट के क्या सिलेबस हैं वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ आके मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब सिलेबस पता रहेंगे, आपको टॉपिक पता रहेगा, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप अपना पढ़ सकते हो, अपना तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से हम आपको दिखा देते हैं बाकी चीज़ें। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये रहे कुछ बुक्स हैं। ये एक बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, तो आप इससे भी कर सकते हो। या ये इसकी लिंक, ये बुक जो है मैं आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पर भी दे दूंगी, प्लस अपने गूगल ड्राइव में भी सेव करके उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से भी इसे पा सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ इसमें दिया हुआ है। मैं यहाँ पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखाने वाली हूँ एक एक चीज़, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। आपको जब ये बुक मिलेगा PDF फॉर्म में तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने भी बहुत मुश्किल से खोजा है तो मुझे मिला है, तो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। प्लस यहाँ पर कुछ नोट्स भी हैं जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इन नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं। नोट्स अच्छी है, हर एक चीज़ बताई हुई है, स्टेप बाई स्टेप क्या है क्या चीज़ है, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है, तो दो आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों आपके नोट्स हो गए, एक बुक हो गया, यानी कि आपको 3 चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई। अब इसके साथ साथ आप देख लो, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये क्या है, लेक्चर नोट। ये लेक्चर नोट्स की तरफ से कुछ एक ही लोग हैं जिन्होंने प्रोवाइड किया है स्पीच प्रोसेसिंग पर नोट्स, तो मैं इसे डाउनलोड करने की बहुत बार कोशिश कर रही थी बट ये डाउनलोड मुझसे हो नहीं रहा था। तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा और देख के इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये PDF फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहीं से पढ़ लीजिएगा। कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको जिस तरह से सुटेबल लगे आप उस तरह से अपना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। वैसे मैंने वो 2 चीज़ प्रोवाइड की हूँ उससे हो जाएगा, बट ये भी साथ में रख लीजिए ताकि अगर इधर से कोई हेल्प लेना हो तो आप ले सको। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, दिखा दिया कैसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है वर्ड्स, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पर भी और क्लियर से करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि इसकी स्कैनिंग अच्छे से की गई है। ठीक है, इसको अच्छे से स्कैन किया गया है, इसे उतने अच्छे से स्कैन नहीं किया गया है। तो आपको दोनों में से जहाँ से जो सूटेबल लगे आप वहाँ से पढ़ लीजिए। प्लस आपको यहाँ से भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इतनी सारी आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको जहाँ से जो सही लगे आप वहाँ से अपना कर लीजिएगा। प्लस आप ध्यान रखिएगा इस सिलेबस को, इस सिलेबस जैसे यूनिट 1 लीजिएगा, यूनिट 1 में आपको एक टॉपिक लेना है, तो आप इन टॉपिक को लीजिएगा और इन टॉपिक को लेके इसे सर्च कीजिएगा, इसके बारे में डिटेल निकालिएगा। आपको मैंने ऑलरेडी बुक और नोट्स दोनों प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप उसमें सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाइएगा, बट हाँ मोस्टली चांसेस हैं कि आपको बुक और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ कि आप वन बाई वन लाइन पढ़िएगा, ये नहीं करिएगा कि ऐसे ही रैंडमली कुछ पढ़ लिया रख दिया, नहीं,
आप वन बाय वन पढ़िएगा, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो लाइन बाय लाइन बन सकते हैं, आपकी एक दो लाइन से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि हर एक लाइन को टच करें और हर एक लाइन को पढ़ें, ठीक है? तो उससे आपको अच्छी तरह से वो तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में स्पीच प्रोसेसिंग के बारे में आपको बता दिया। दूसरी जो वीडियो रहेगी वो मेरी रहेगी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इस पर भी बहुत लोगों ने मुझसे मांगा था, तो मैं इसकी भी कुछ बुक्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, कुछ नोट्स भी हैं, तो वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको उसके बारे में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है? तो उसकी भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और आई एम रियली रियली सॉरी फॉर डैट कि मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरी भी प्रॉब्लम आप लोग समझो, खुद खुद भी मेहनत करो, खुद से भी कोशिश करो कि आप भी खुद से कर सको। तो मैंने हर एक चीज़ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप कोशिश कीजिएगा। नहीं होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये नोट्स कैसा लगा, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने खुद ने ही लिखा है इसे, मैं ऑलरेडी कहीं से डाउनलोड करके ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, ठीक है? उस बुक पे या नोट्स पे तो लिखा हुआ है कि कहाँ से इसको डाउनलोड किया गया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, वैसे तो मुझे जितना मिला है उतना मैं आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है? तो ओवरऑल आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।